अपने आप पर संदेह ना करें, तब तक किसी का भी संदेह आपके लिए निर्णायक साबित नहीं होगा। जब आप दिमागी तौर पर मजबूत हैं, तब तक आपके इरादों को कोई नहीं तोड़ सकता, ना कि अपनी बातों से, ना अपने शब्दों से, ना अपने निर्णय से। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब आपको किसी की ज़रूरत नहीं जो आप पर विश्वास करे। कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन मेरे दोस्त अकेला चना ही भार फोड़ सकता है। किसी को नहीं फिक्र कि आप बुलंदियों तक पहुँचे, किसी को नहीं फिक्र कि आप भविष्य में कुछ ऐसा कर जाएं जिससे सबको गर्व हो, किसी को नहीं फिक्र आप आगे क्या बनोगे। सिर्फ आप यह चुनाव कर सकते हैं कि जो सब लोग आपके बारे में सोचते हैं, क्या उसको सच्चाई में परिवर्तित करोगे, या आप अपना खुद का भविष्य खुद बनाएंगे। अगर कोई भी या कुछ भी बड़ी समस्या आपको है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपके संदेह, आपका भ्रम, आपका डर, आपकी अपनी बनाई हुई खुद की गलत सोच। अगर आप अपना जीवन जीना चाहते हैं, सपना जीना चाहते हैं, तो आपको लड़ना होगा। लड़ना होगा उन सब लोगों के खिलाफ जो आपको नीचा देखना चाहते हैं, वो उन सब लोगों के खिलाफ जो आपसे असहमत है, उन सब लोगों के खिलाफ जो आप पर विश्वास नहीं करते, उन सब लोगों के खिलाफ जो हमेशा चाहते हैं कि आप जीवन में कभी कुछ ना कर पाए। जो याद रहे, लड़ाई अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई होगी, ना केवल बाहरी तौर पर ये लड़ाई होगी, ये लड़ाई भीतरी तौर पर भी होगी, आपके जीवन में होगी, आपके संदेह से होगी, आपके भ्रम से होगी, आपके डर से होगी, भीतर की आवाज से आपको डरना होगा। यार मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं ये कर पाऊँ, मैं इतना लायक ही नहीं हूँ कि मैं ये सब कर पाऊँ, मैं इतना काबिल ही नहीं हूँ कि मैं ये कर पाऊँ। इस लड़ाई के खिलाफ, इस भीतर की आवाज़ के खिलाफ हमें लड़ना होगा। मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता, सब लोग मेरे खिलाफ हैं, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मेरा जीवन ही बेकार है। इस आवाज़ के खिलाफ लड़ना होगा। आपकी अंदर की बड़ी लड़ाई आपके लिए निर्णायक साबित होगी। आपके अपने विचार आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे, सबसे ज़्यादा नेगेटिव करेंगे, सबसे ज़्यादा नीचे धकेलेंगे। ये अंदर की लड़ाई एक आतंकवादी की तरह होगी जो आपके भीतर से धीरे धीरे खोखला करेगी। मेरे दोस्त याद रखें, जब हम इस लड़ाई को कंट्रोल करना अगर सीख गए, तो ये भीतर की लड़ाई जो अब तक हमें हमारे इरादों से भटकाती थी, हमें अंदर से खोखला करती थी, हमें भीतर से कमजोर करती थी, ये एक सेना की तरह साबित होगी जो आपको उस सुनहरे भविष्य तक पहुंचाएगी जिसकी आप कल्पना करते हैं, उस सुनहरे भविष्य को जीवित करवाएगी जिसको आप जीना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए आपको गर्व महसूस करवाएगी जिनके आप प्यार करते हैं। आप ये सब तब कर पाएंगे जब आपके पास लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य होगा, वो लक्ष्य होगा जो रोज आपको सुबह बिस्तर से उठाकर खड़ा कर दे कि चलो उठो कुछ करो, वो लक्ष्य जो आपको अंदर से ऊर्जावान कर दे, वो ऐसा लक्ष्य जो अंदर से एक एनर्जी, एक आग की तरह काम करे, जो आपको आगे ही आगे बढ़ने में मदद करे। यह सब तब होगा जब जीने के लिए हम जीना शुरू करेंगे। आज तक पता नहीं कैसे जी रहे थे, लेकिन जब हम जीने के लिए जीना शुरू करेंगे, तब हर चीज, हर लक्ष्य, हर अंदर की लड़ाई को हम शांत कर पाएंगे। सोचें कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये जॉब क्यों कर रहे हैं, हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, ये शुरुआत कैसे करी थी, क्या मकसद लेके आए थे, क्या लक्ष्य के लेके आए थे, क्या हमारे जीवन का कोई टारगेट था जब हम इसमें आए थे। हम वो लक्ष्य को भूल जाते हैं, हम उन परिवार लोगों को भूल जाते हैं
हम उन सब लोगों की उम्मीदों को भूल जाते हैं, तभी तो हम सोचते हैं कि ये हम नहीं कर पाएंगे। दोस्त, हमें अंदर की सब नेगेटिविटी को शांत कर पाएंगे जब हम ये सोचेंगे कि हमने ये शुरुआत क्यों करी थी। पर इसके लिए रोज़ अभ्यास करना होगा, अभ्यास करना होगा उस सब याद आदतों को याद करने का, उन सब मकसदों को याद करने का, उन सब चीज़ों को याद करने का। और जब धीरे 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 ये अभ्यास आदत में बदल गया, तो ये आदत के कारण ऐसा कोई टारगेट, ऐसा कोई गोल, ऐसा कोई सपना नहीं होगा जो आप पूरा कर पाए। दोस्त, हम सब, आप सब अंदर से एक शेर है। शेर को पहचाने दहाड़े भीतर से कि आपका मकसद क्या है, जीवन का हमारे का अर्थ क्या है, उसको पहचाने। हम सब सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। आखिर में तीन लाइनें कहूँगा कि तू जो चाह ले अगर, कदमों में होगा तेरे शिखर, तू खुद पर सिर्फ और सिर्फ खुद पर यकीन कर, खुद पर यकीन कर, खुद पर यकीन कर।